BT Graphics free graphic tutorial for learner. ये हमारा पोस्टर है जो कि हम आज बनाएंगे. ये रग्बी मैच का पोस्टर है. ये हमारा उसकी बॉल है. ये हमारे साइजेस हैं और यहाँ हम अपना साइज का या फाइल का नाम डालेंगे जो कि आप कुछ भी रख सकते हैं. मैंने इसको स्पोर्ट पोस्टर के नाम से डाला है. ये साइज है. आप यहाँ से रेजोल्यूशन चेंज कर सकते हैं. मैंने थोड़ा सा कम रखा है क्योंकि थोड़ा सा इजीली स्मूथ चलेगा हमारा जो सॉफ्टवेयर है. ये हमारा साइज रेडी हो गया है. अब यहाँ से हम इसको ओपन कर लेते हैं जो कि कलर भरने के हमारे काम आएगा बेस. ये हमने इसमें ग्रेडियंट फिल किया जो कि बेस बनेगा आगे आपके टेक्स्ट के लिए और पिक्चर के लिए. जो भी हम इसमें एडिट करेंगे वो यहाँ से हमने इसको रखा है. आप इसको इस प्रकार से बना सकते हैं. अब हमें अपनी पिक्चर इसमें प्लेस करनी है. यहाँ से आप इसको ट्रैक कीजिए. डाउन किया हमने. डाउन करके आप डायरेक्टली इसमें इसको प्लेस कर सकते हैं. ये हमारी पिक्चर आ गई है यहाँ पर. इसको हम कंट्रोल टी के थ्रू इसको हम बड़ा कर लेते हैं. ट्रांसफॉर्म ओपन हो जाता है जिससे कि आप उसको किसी भी तरह मूव करा सकते हैं. ये हमने कर लिया है. अब इसको हमें ग्रेडियंट के साथ इसको लेना है पिक्चर को अपनी. इसको यहाँ मास्किंग में कर लेते हैं. थोड़ा सा इरेज कर लेंगे जो कि हमारी पिक्चर दिखेगी और हमारा ग्रेडियंट भी दिखेगा. इसको मैं एक छोटे से उसमें डाल के आपको बता रहा हूँ. बाकी आप जब इसको काम करेंगे तो आपको खुद पता लगेगा कि इसको करने में कैसे होता है. ये हमारा ब्राइट एंड कॉन्ट्रास्ट है. पिक्चर को थोड़ा सा इसको अपनी टोन के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेते हैं. ये हमने इसको एडजस्ट कर लिया है. और अब यहाँ से हम एक नई लेयर बनाएंगे. नई लेयर में हम अपने ब्रश के जो स्टॉक हैं वो यहाँ पर फिल करेंगे जिसमें कि हम पिक्चर को क्लिपिंग मास्क में डालेंगे. तो आप यहाँ से इस प्रकार से इसको छोटा बड़ा करके पोजीशन दो तीन कलर में लेके आप इसको यहाँ पर कर सकते हैं. तो ये देखिए कि ये आपकी पोजीशन के लिए कैसा फिट बैठेगा उसके अकॉर्डिंग आप इसको फिल कीजिए. ब्रश स्ट्रोक को लगाइए. दो तीन कलर इसमें डालेंगे. आप अलग अलग लेयर में कर सकते हैं. लेयर को करने के बाद मर्ज कर सकते हैं. लेकिन क्योंकि हमें यहाँ पर सिंगल वो करना है तो हम इसको एक ही लेयर में इसको दो तीन कलर में फिल करेंगे. ब्रश को छोटा बड़ा करके आप स्ट्रोक लगाएंगे तो उससे आपके जो डिज़ाइन है और जो पिक्चर है उसमें डिफरेंसेस आएंगे जो आपके पोस्टर को अलग लुक देगा. तो हमने यहाँ पर दो तीन सेलेक्ट किया है. यहाँ से एक अलग से सेलेक्ट कर रहे हैं सेम फैमिली का. उसको छोटा थोड़ा सा करके हम लगाएंगे और कुछ थोड़े बड़े लगाएंगे और अलग अलग कलर में इनको लगाना है जिससे कि लुक अपने आप में अलग सी लगे. ये मैंने इसमें कर दिया है प्लेस. अब हमें यहाँ से कुछ स्टॉक और लगाने होंगे जो कि पोस्टर के साइड बाई साइड होंगे. तो यहाँ से आप ब्रश सेलेक्ट कीजिए. ब्रश की आपको मैं पोजीशन बता दूँ. आप जब फोटोशॉप ओपन करेंगे तो उसमें ब्रश में जाएंगे तो उसमें इंसर्ट करने के लिए कई सारे होते हैं. आप वहाँ से उसको इंसर्ट कर सकते हैं. तो काफ़ी सारे ब्रश अलग अलग ओपन हो जाएंगे. वहाँ से आप ले सकते हैं. बाकी डिफ़ॉल्ट में भी कई सारे आते हैं. अगर आपको लिंक चाहिए तो मैं लिंक उसमें शेयर कर दूँगा. आपको मिल जाएंगे. आप वहाँ से इनको डाल सकते हैं. ये हमने ऐसे रेंडमली कर लिया है अपना स्टॉक. अभी इसमें हमें पिक्चर प्लेस करनी है. दोस्तों डिज़ाइन के साथ साथ आपको बहुत सारी चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती हैं कि आप उसको किस प्रकार से कहाँ पर प्लेस करेंगे. तो ये हमारी पिक्चर आ गई है. अब इसको हमने इसकी पोजीशन पर दिया. अब आप देख रहे होंगे कि ये जो हमने कलर स्टॉक डाले थे वो अलग तरह के लुक दे रहे हैं. ये है हमारी पिक्चर. इसको हमने क्लिपिंग मास्क कर दिया है.
अब इसको अपने हिसाब से थोड़ा सा लेवल इसका एडजस्ट करेंगे। ये हमने कर्व के थ्रू इसको थोड़ा सा डार्क कर लिया है, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ये हमारा बेस लगभग रेडी हो रहा है और हमारा पोस्टर धीरे धीरे करके अपने कंप्लीट पोजीशन पे पहुंच रहा है। ये हमने थोड़ा सा एडजस्ट कर दिया, इसका ये हो गया हमारा एक बेस। अब हमें इस पर टेक्स्ट लगाना है। टेक्स्ट के लिए अपने फॉन्ट सिलेक्शन और जो उसकी सेकंड जो चीज़ें होती हैं इन्फॉर्मेशन, वो आपको ध्यान में रखते हुए आपको पोजीशन सेट करके उसको बनाना पड़ता है। तो हमने जैसा कि इसको यहाँ पर एक हैवी सा फॉन्ट ले रहे हैं, क्योंकि ये पोस्टर है, पोस्टर के लिए थोड़ा सा बड़ा आप रखेंगे फॉन्ट को, थोड़ा सा हैवी रखेंगे तो लुक वाइज वो दिखेगा। क्योंकि जनरली क्या होता है कि हम पोस्टर को किसी दूर डिस्टेंस पे लगाते हैं तो लोगों को इजीली दिखाई दे कि उसमें मैसेज क्या है, इन्फॉर्मेशन क्या है, तो इसलिए हम उसको बड़ा रखते हैं फॉन्ट को, ताकि ईजिली लोग उसको समझ पाएँ, पढ़ पाएँ कि भाई ये किस चीज़ के बारे में बता रहा है। यहाँ हम इसको ट्रांसफॉर्म करके थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं तो ये हमारी पोजीशन पे दिखेगा। इसलिए मैं बता रहा था कि आप उसको बड़ा रखिए ताकि आपको दिखे। यहाँ से एक नई लेयर के साथ हम इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं और इसको शेडो वगैरह डालेंगे ताकि वो आपका फॉन्ट है वो पूरा निकल के आए। इस पर ड्रॉप शेडो लगा सकते हैं आप, टेक्सचर लगा सकते हैं, ग्रेडियंट डाल सकते हैं, कई सारी चीज़ें आपको इस पैनल में मिलेंगी जो आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं अपने पोस्टर को निकालने के लिए। अगर ग्रेडियंट डालते हैं तो ग्रेडियंट की पोजीशन इस प्रकार से आएगी। बिबल करते हैं, इम्बोज इफेक्ट डालते हैं तो यहाँ से बहुत सारी चीज़ें ओपन हो जाती हैं। अभी फ़िलहाल मैंने इसको हटा दिया है, अब इस पर मुझे जो लगाना है एग्जैक्टली वो आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ से ड्रॉप शेडो लगाइए, ड्रॉप शेडो लगाएंगे तो जो वाइट है वो आपका निकल के बाहर आएगा। ये हमने ड्रॉप शेडो और बेबल करके ये हमने इसको इस प्रकार से पोजीशन दिया। डिफरेंस आपको दिख रहा होगा, इसकी एक डुप्लीकेट बना लेते हैं जिससे कि हमारा सेकेंडरी जो मैसेज है वो हम इसमें टाइप कर लेते हैं। दो चीज़ें हैं दोस्तों, एक तो पोस्टर में मेन क्या होता है कि मेन इवेंट का नाम, और दूसरा ये कब होना है, कहाँ पर होना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है पोस्टर में। आप कभी भी पोस्टर बनाते हैं तो पोस्टर में ये दो चीज़ें सबसे इम्पोर्टेंट होती हैं जिनको फोकस करना ज़रूरी होता है, जिनको इम्पोर्टेंट देनी होती है। तो अदरवाइज पोस्टर आपका पोस्टर तो बन जाएगा लेकिन अगर इन्फॉर्मेशन नहीं आई तो पोस्टर फिर यूज़लेस हो गया। जैसे कि हम लोग एडवर्टाइजिंग फील्ड से हैं तो उसमें आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी होती है। अगर आप इस लाइन में ऑलरेडी हैं तो आपको मालूम होगा, अगर नहीं है तो आप अगर सीख रहे हैं तो ये चीज़ें आपको फ्यूचर में काम आएंगी कि हमें पोजीशनिंग क्या देनी है, किसको इम्पोर्टेंट देनी है, ये बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखिएगा कि पोस्टर बनाने के टाइम में आपको जो उसका मेन हेडिंग है, मेन इन्फॉर्मेशन है, वो आपको प्रोमिनेंट रखनी पड़ेगी, बड़ी रखनी पड़ेगी और लोगों को इजीली दिखे, इस प्रकार से आपको फॉन्ट सिलेक्शन, पोजीशन सिलेक्शन करना होगा। ये मैंने इसमें अभी ग्रेडियंट फिल किया है, आप ग्रेडियंट को अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं, बैकग्राउंड के हिसाब से बना सकते हैं। इसमें आपको दिख रहा है ये कई सारे मैंने ग्रेडियंट टेम्परेली बना रखे हैं, बट आप इसको यहाँ से ईजिली बना सकते हैं। आप उसमें सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद डबल क्लिक करिए, आपकी पोजीशन ओपन हो जाती है, उसमें कलर आप फिल कर सकते हैं। ये देखिए, ये इसका मैसेज है जो कि इस प्रकार से पोजीशनिंग दे रहे हैं। आप अपने हिसाब से कुछ भी पोजीशन उसको बना सकते हैं, इमेज के अकॉर्डिंग, बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग, आपका जो भी मैसेज होगा। ये थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, इसमें से कुछ टेक्स्ट हटा देते हैं जिससे कि मेन टेक्स्ट निकल के आए। ये मैंने इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया है अपने हिसाब से, ये तो रैंडम टेक्स्ट है। जब क्लाइंट आपको
टेक्स्ट प्रोवाइड कराता है तो उसके अकॉर्डिंग हमें बनाना होता है। ये अभी हम लोग क्योंकि सीखने के पर्पज़ से इसको बना रहे हैं तो इसलिए इसको अपने हिसाब से इसकी पोजिशनिंग कर रहे हैं। ये हम इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं ताकि हमारी पिक्चर बैकग्राउंड और टेक्स्ट दोनों एक साथ लोगों को अपील कर सके कि हम ये पोस्टर किस चीज़ के लिए है। ये हम थोड़ा सा इसको अपने टेक्स्ट और डिज़ाइन के हिसाब से थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। दोस्तों डिज़ाइन में थोड़ा सा टाइम लगता है, आपको अगर आप मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो दोस्तों मैं अक्सर बताता हूँ कि डिज़ाइन करते समय आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, क्योंकि जैसे जैसे आप चीज़ों को करते जाते हैं उसमें कुछ अच्छी चीज़ें कुछ बुरी चीज़ें आपको दिखती हैं तो उसको फाइन ट्यून करते चलिए, क्योंकि जितना आप फाइन ट्यून करेंगे जितना आप उसको टाइम लगा के उसको परफेक्ट करेंगे उतना ही आपका डिज़ाइन अलग से दिखेगा। तो ये मैं हमेशा बोलता हूँ अपने दोस्तों को कि आप इस चीज़ पर ध्यान रखिए। ये मैंने एक नया लेयर लेके उसमें ये इसको प्लेस किया है, ग्रेडियंट मेरा वो सेम है। आप क्योंकि हमारे पास जो कलर चल रहे हैं हमारे बैकग्राउंड में हम उसी कलर के साथ उसके आसपास अपना काम करते हैं। इसका एक डुप्लीकेट बना लेते हैं, यहाँ पर हमने इसको पोजिशनिंग दे दी है। ये हमारा जो कि रग्बी एक का बॉल है और मैच भी है रग्बी का स्टार्ट हो रहा, तो हम इसको थोड़ा सा हाईलाइट देना चाहते हैं तो उसको हम यहाँ पर पोजिशनिंग दे रहे हैं। आप कॉन्सेप्ट बना सकते हैं, बनाने से क्या होता है कि थोड़ी सी चीज़ें लोगों को अपीलिंग लगती हैं। तो ये रग्बी के लिए बना रहे हैं तो रग्बी की बॉल हमने इसको यहाँ पर अप्लाई की है जो कि थोड़ा सा एक अलग सी लुक देगा। ये मैंने इसकी पोजीशन कर दी है और जो बेसिक जो इसका इंफॉर्मेशनल टेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर रख रखा था, तो जो कि टेम्प्रेरी टेक्स्ट है, बाकी फाइनल में तो जो चीज़ें आती हैं वो अलग से होती हैं। ये यहाँ पर आप इसको इस प्रकार से एडजस्ट कर सकते हैं, टेक्स्ट को कम ज़्यादा कर सकते हैं, अगर ज़्यादा लग रहा है तो उसको कम कर सकते हैं, छोटा बड़ा आप कुछ भी कर सकते हैं। तो ये इस प्रकार से हम इसको बना सकते हैं। तो आप देख रहे होंगे जैसे जैसे जब हमने स्टार्ट किया था उस हिसाब से अब धीरे धीरे आपको चीज़ें क्लियरली दिख रही हैं कि इसमें ये क्या चीज़ है। 2019 का मैच है, ये लाइव हो रहा है इस महीने से, और उसकी जो बाकी डिटेलिंग है वो आपको यहाँ बॉटम में इस प्रकार से होंगी। तो दोस्तों ये हमारा जो पोस्टर है ऑलमोस्ट बन गया है, अब इसको फाइन ट्यून कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को ऑन कर लीजिए जिससे कि मेरी आने वाली फ्यूचर में जो भी वीडियो हैं आपको नोटिफिकेशन के साथ आपको मिल जाएंगे। तो थैंक यू दोस्तों मेरे चैनल पर बने रहने के लिए। और ये हमारा जो पोस्टर है कंप्लीट हो चुका है, अब इसको जस्ट हम फाइन ट्यून करके इसको सेव कर देंगे और इसको अपने किसी भी जो इवेंट है उसमें हम इसको प्लेस कर लेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों मेरे चैनल पर बने के लिए रहने के लिए। थैंक यू सो मच।